नमस्कार, आपके साथ मैं अराबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली की तरह ही हरियाणा में भी स्कूलों को खोल देना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के मामले घटते ही पाबंदियों में राहत मिलनी शुरू हो गई है, बहुत तेजी के साथ ये राहत मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में कई प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल 7 फरवरी से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वही सरकार ने शर्तों के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया है। स्कूल खोलते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी टीचर वैक्सीनेटेड हों। दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे। स्कूलों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जबकि कॉलेजेस में सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी, यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा कॉलेज। और चूंकि मामले घट रहे हैं इसलिए आना चाहिए छात्रों को। दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार भी क्या स्कूल खोलने का मन बनाएगी? हालांकि हरियाणा के छात्र तो पहले ही सरकार से स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा की सरकार क्या फैसला करती है? क्या हरियाणा में भी स्कूल खोले जाएंगे? हालांकि छात्रों के प्रदर्शन और दिल्ली में स्कूल खोलने के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार पर दबाव जरूर बढ़ेगा। अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे, मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में, तो धीरे धीरे, अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे, समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी उनकी। 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल, उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो दिल्ली में पाबंदियों में ढील मिलनी शुरू हो गई है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है, यानी रात 10 बजे से बढ़ाकर अब 11 बजे कर दिया गया है। यानी जो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से शुरू हो जाती थी, अब वो 11 बजे के बाद शुरू होगी। रेस्टोरेंट में अब रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट को खुला रखने के लिए कहा है। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। एग्जीबिशन आयोजित करने की भी अनुमति मिल गई है कि आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं। और सभी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। सभी एम्प्लॉय को आप बुला लीजिए, लेकिन कोरोना मापदंडों का ध्यान रखिए। कार में अकेले चलने पर मास्क पहनना अब जरूरी नहीं है। अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में आप अकेले हैं, तो आप बिना मास्क के भी अपनी कार में बैठ सकते हैं, दिल्ली पुलिस नहीं रोकेगी। रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे किया गया है नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में पाबंदियों में ढील एक बार फिर देखिए, पढ़कर भी सुना रही हूं। रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। यह बड़ा फैसला है कि स्विमिंग पूल, जिम और स्पा खोले जा रहे हैं। एग्जीबिशन आयोजित करने की भी अनुमति मिल गई है दिल्ली में। सभी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। कार में अकेले अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप मास्क नहीं पहने, आपको दिल्ली पुलिस नहीं रोकेगी। आप चाहे तो पहनिए, ना चाहे तो मत पहनिए। राज्य में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ गया। तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद दिल्ली में काफी छूट मिलनी शुरू हो गई है, प्रतिबंध हटने शुरू हो गए हैं। एक तरीके से जो मिनी लॉकडाउन का माहौल था, वो ताला जड़ी धीरे धीरे खुल रही है। हरियाणा में क्या होगा, खासकर स्कूल कॉलेजेस को लेकर आप हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाइए। फोन लाइंस हमने खोल दिए हैं, नंबर्स आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बताइए क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली की ही तर्ज पे हरियाणा में भी सभी कक्षाओं के स्कूलों को खोल देना चाहिए, कॉलेजेस खोल देने चाहिए?
आप भी अपनी शर्तें रख सकते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जो मापदंड है उनको फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको लगता है कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस खोलने के फैसले के बाद हरियाणा सरकार भी मन बना लेगी प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर। दिल्ली में स्कूल खोलने का कितना होगा असर, क्या लगता है आपको, बताएं, हमारे साथ जुड़िए जरूर। क्या कोरोना काल में बच्चों को बुलाना सही है? मामले घटे हैं और घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। हरियाणा में मामलों को लेकर आप अपनी बात रखिएगा। छात्र कर रहे हैं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार मुखर है स्कूल खोलने दीजिए। अभिभावक भी काफी हद तक जो है वो आगे आकर अब ये कहने लगे हैं कि अब हमें अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना है, आप स्कूल खोल दीजिए। ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी है, ऑनलाइन बच्चे ज्यादा नहीं सीख पा रहे, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर अब हरियाणा सरकार मन बना लेगी क्या? ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला जी बोलिए। ज्वाला प्रसाद फोन पर हैं आप? ज्वाला जी आवाज मिल रही है आपको? चले फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर जुड़ेगा, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नीरज जुड़ गए हैं, नीरज जी नमस्कार, बोलिए सर। मैडम जी बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके सब चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ। मेरे आपके चैनल पे पूरी उम्मीद है मैडम कि आपका चैनल एक गरीब आदमी को आवाज ऊपर उठाता है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से कहना है सरकार तक, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम दसवीं करे हैं तीसरी कारण पढ़ नहीं सके, सिर्फ दसवीं पास, हमारा वेतन 10,000 से कम है, कब 15,000 होगा मैडम, कब हम अपने बच्चे पाले। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आगे भी जरूर जुड़िएगा, इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्वाला प्रसाद एक बार फिर जुड़ गए हमारे रेगुलर कॉलर, ज्वाला जी बोलिए। नमस्कार बहन जी, राधे राधे जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, बताइए क्या लगता है हरियाणा सरकार स्कूल खोलने का मन बना लेगी अब दिल्ली के बाद? जी जी, हमारी समिति की तरफ से भी सीएम साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर से भी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी है जी, बच्चों का भविष्य भी देखना है। और हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो 83,99,999 योनि प्राप्त करने के बाद जो हमें दुर्लभ परिस्थितियों में जो मनुष्य का जन्म होता है। हरियाणा सरकार क्या दिल्ली की तर्ज पर स्कूल खोलने का मन बना लेगी? हरियाणा में कोरोना के जो मामले हैं उसे देखते हुए सरकार को ये फैसला ले लेना चाहिए क्या सर? ये हमारा आज का सवाल ज्वाला जी। हाँ जी हाँ जी, हमारा ये सुझाव है कि हरियाणा गवर्नमेंट को भी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, क्योंकि हमारे जो यूथ बच्चे हैं वो ऑनलाइन जो पढ़ाई के चक्कर में उनका भविष्य बहुत खराब हो रहा है, जो यूथ बच्चे हैं। पर आजकल जनरेशन भी इतनी है कि आम आदमी तक जो डिजिटल है, ई शिक्षा है, वो नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए हम ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो दिल्ली और चंडीगढ़ से जो योजनाएं चल रही है, झोपड़ी तक तो पहुंच गई है, लेकिन उसको झोपड़ी वालों को शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दीजिए, जैसे अमेरिका जैसे। ये दूसरा मसला हो गया, विषयांतर नहीं होना है हमें। चलिए बहुत शुक्रिया ज्वाला जी। मास्टर आरके कालिया हमारे साथ जुड़ गए, मास्टर साहब बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए मेरी अजीजा बात ये है, जान है, बिल्कुल जान है तो जान है, आगे बोलिए मास्टर साहब। फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, ये बहुत दुखद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात पूरी होने से पहले फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बच्चों को एक बार फिर से स्कूलों में हरियाणा में वापस बुला लेना चाहिए धीरे धीरे। हालांकि हरियाणा सरकार भी स्कूलों को खोलने का मन बना रही है, लेकिन पूरी तरह से स्कूलों को खोलने को लेकर मन बना लेना चाहिए क्या हरियाणा सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब को? सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए, सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। उन्होंने पहले तो बेरोजगारों को बेघर कर दिया, अब इन बच्चों को पढ़ने वालों को ये बेघर करने, अपने विवेक से काम नहीं कर रही है सरकार। सरकार एक दूसरे राज्य को देख रही है, दिल्ली ने कर दिया तो हमने वो करेंगे। नहीं 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 नहीं, सूरज भान जी रुकिए रुकिए, शायद गलत मैसेज पहुंच रहा है आप तक। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया गया है,
ठीक है, 7 फरवरी के बाद और कुछ कक्षाएं 14 फरवरी के बाद वहां पूरी तरह से स्कूल कॉलेज में, नर्सरी से लेके कॉलेज में जहां तक पढ़ाई हो रही है, सभी को खोलने की परमिशन दे दी है मनीष सिसोदिया ने, जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो क्या इस तर्ज पर हरियाणा में भी सभी कक्षाओं के स्कूल खोल देने चाहिए? क्या सरकार को मन बना लेना चाहिए? सवाल ये है, हम ये नहीं कह रहे कि खोल दिया हरियाणा सरकार ने, ये नहीं कहा है, खोल देने चाहिए क्या? बोलिए। ये तो दिल्ली सरकार ने चाहिए की बात की है, हरियाणा सरकार तो ताक रही है दूसरी तरफ, अपने विवेक से तो काम कर ही नहीं रही है, ये मोदी की तरफ देख रही है, कभी जुमले बोलने हैं। ये तो अपने विवेक पे काम करती तो खोल देती सरकार, बच्चों का भविष्य बेकार उन्होंने करना है बर्बाद, वो इस पे तुले हुए हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अम्बाला से राजेश जुड़ गए, राजेश जी नमस्कार। राजेश जी आवाज मिल रही है राजेश आपको? हाँ जी आ रही है मैम। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि बच्चों के विषय में आपने सवाल उठाया है। होता क्या है मैम कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे उससे आपसे रिकवर नहीं कर पाते, तो मैं सरकार से निवेदन यही करूंगा कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाए। चलिए बहुत शुक्रिया। राजेश का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप ऑफलाइन पढ़ाइए, स्कूलों में बुलाइए, मामले तो घट ही रहे हैं दिल्ली की तर्ज पर, आपको भी ये फैसला ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त इस कोरोना काल में दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी अब सभी कक्षाओं को खोल देना चाहिए? क्या हरियाणा सरकार मन बना लेगी इसके लिए? गुरुग्राम से राम जुड़े हैं, राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली सरकार की, और मैं भेजता रहता हूँ मैसेज भी जी और फॉलो भी करते हैं, और हरियाणा के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में खोल देने चाहिए। मैं तो कोरोना को ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ, लेकिन मैं सुझाव भी देता हूँ। आज से 10 साल पहले डॉक्टरों के पास लाइन लग जाती थी, लेकिन इंसान भूल जाता है। हमें बुखार होता था, हमारा मुंह बिल्कुल कड़वा हो जाता था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वही लक्षण है, वही सब कुछ है। लेकिन नेताओं की रैली में तो कोई कोरोना नहीं, हमारे किसान भाई 13 महीने बैठे रहे जब कोई नहीं, और मजदूर आज भी सड़कों पे मतलब काम कर रहा है सब कुछ, उनको कोई कोरोना नहीं। कोरोना किसके लिए, सिर्फ राजनीति हो रही है इसमें। और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्यों इनके पास नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, बच्चे पढ़े नहीं, ना कोई मतलब हो जाए, और इन्होंने जो रोजगार नौकरियां थी वो भी छीन ली, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल आपने पूछा था क्वेश्चन 75% के बारे में, उसमें भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ की कंपनियां जो ये सिर्फ हाई कोर्ट, हम सरकार कह रही है हम अपील करेंगे, हम ये करेंगे, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, और यहाँ की कंपनियां उठ के चली जाएंगी यहाँ से, और कुछ नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हरियाणा। धन्यवाद। चलिए, हालांकि 75% पर आज हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने अगर कहा ही है तो मैंने हेडलाइन में अपडेट कर दिया था। लगातार दिखा रहे हैं कि हाईकोर्ट के स्टे को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है। खैर, बहुत शुक्रिया राम, आगे भी जरूर जुड़ेगा। अच्छा बोलते हैं, आप इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बताएं कि क्या अब आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी सभी कक्षाओं के स्कूलों को खोल देना चाहिए, कॉलेजेस खोल देने चाहिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम, बोलिए। मैम मैं बोल रहा हूँ, पूछ और नेकी वाली बात हो गई, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, हाँ। और उसके बाद भी स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, और दिल्ली में तो सरकार ने स्कूल खोलने का तय किया, उसके कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं दुनिया भर में ये बीजेपी वाले चला रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो हरियाणा पीछे क्यों रह रहा है? करुणा के सारे मापदंड लगाते हुए उनको स्कूल तो आज से पहले ही खोल देने चाहिए। बंगाल में भी स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खोलेंगे तो बच्चों का मानसिक और बौद्धिक उन्नति नहीं होगी। अगर घरों में खाली टेलीफोनों से करेंगे या उसके माध्यम से करेंगे तो उनकी उन्नति कैसे होनी है? न शिक्षक उनके आभाव देख सकते हैं, न बच्चे और बच्चों से मिल सकते हैं, सामाजिक उन्नति नहीं है, तो स्कूल तो खोल देना चाहिए। तो इसका मतलब मैम ये लगता है कि ये डबल इंजन जो चिल्लाते हैं ये बेकार की बातें हैं। हरियाणा किसका वेट कर रहा है? डबल इंजन का? उनका जो डबल इंजन लगा हुआ दिल्ली में, वहां से कुछ भी खबर नहीं आती है। दिल्ली की सरकार ने खोल दिया तो केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, भैया तुम भी खोल दो, नहीं तो हमारी डबल इंजन की सरकार क्या काम आएगी। तो दिल्ली में, हरियाणा में कोई चीज की उन्नति होने की जगह ही नहीं लग रही है। दिल्ली हरियाणा वाले क्यों किसी के भरोसे चलते हैं? ये अपने आप डिसीजन लेना चाहिए, इनके सब डिसीजन रॉन्ग हो रहे हैं। जैसे आपने अभी कह दिया 75% वाला रॉन्ग हो रहा है,
तो ये क्यों हो रहे हैं? डबल इंजन की सरकार कोई काम की नहीं लगती है मैम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। प्रेम की तरह आप भी जुड़े नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। ये मंच आप सबों के लिए है, यहाँ पर जुड़िए, बेबाकी के साथ बोलिए, बेधड़क बोलिए, खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। स्कूलों को खोल देना चाहिए क्या? सुमन लता हमारे साथ जुड़ गई है। सुमन बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, हम चाह रहा हमारे बच्चों के स्कूल जल्दी से जल्दी खुलने चाहिए और परीक्षा होनी चाहिए 10वीं प्लस 2 की, क्योंकि अगर बच्चे परीक्षा देंगे पढ़ेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, बच्चों का भविष्य की बात है ये मुख्यमंत्री जी ने देखनी चाहिए इस बारे में। कटर साहब ने कम से कम बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारी यही गुजारिश है कटर साहब से, भाई हमारे स्कूल बच्चों के खुल जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमलता की तरह आप भी जुड़िए। पेरेंट्स भी फोन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल खुल जाने चाहिए और परीक्षाएं भी पहले की तरह हो, कोरोना काल से पहले जिस तरह से एग्जाम्स होते थे वैसे हो, नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार मन बना लेगी क्या दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस खोलने की इस खबर को सामने आने के बाद? क्या हरियाणा में भी सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोल दिया जाएगा? सवाल बड़ा है, आपको क्या लगता है, खोल देना चाहिए क्या? छात्र कर रहे हैं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग, अभिभावक कर रहे हैं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कर रहे हैं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग। दिल्ली में शिक्षा मंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है, तारीखें बता दी है। क्या छात्रों का प्रदर्शन जो यहाँ पर हम लगातार कई कई जगहों पर देख रहे हैं, कई कई जिलों में देख रहे हैं, तबकों में देख रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार को, दिल्ली सरकार के फैसले को देखते हुए हरियाणा सरकार को सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का मन बना लेना चाहिए क्या? क्या हरियाणा में भी स्कूल खोल जाने चाहिए? ये सवाल है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है, ये रहे नंबर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक पहुंचाइए। मंच आप सबों का, हरियाणा की आवाज, हरियाणा की आवाम के लिए, जहां आप खुलकर बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, बेधड़क बोल सकते हैं, बेबाकी के साथ बोलिए, फोन कीजिए, नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। स्कूल खोल देने चाहिए क्या, इस मंच के जरिए शिक्षा मंत्री तक आप अपनी बात पहुंचाइए। दिल्ली के बाद क्या हरियाणा में भी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे? दिल्ली में स्कूल खुलने का कितना असर होगा? आपको लग रहा है कि दिल्ली ने खोल दिया, मामले घट रहे हैं, तो यहां पर भी मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल देगी सरकार। एक सवाल यह भी कि क्या कोरोना काल में बच्चों को, अभी चाहे मामले घट बढ़ रहे हैं लेकिन कोरोना काल ही है ये, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो क्या कोरोना काल में बच्चों के लिए सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोल देना सही फैसला होगा? क्या छात्रों का प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाएगा? ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाश रहा है। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है आपको? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं? अगर सरकार कहती है हम खोलने जा रहे हैं स्कूलों को, तो तैयारियों का भी जिक्र नहीं हो जाना चाहिए क्या? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन कीजिए और अपनी आवाज इस मंच तक पहुंचाइए। दिल्ली के बाद क्या हरियाणा में भी स्कूल खोलेंगे? सौरभ जुड़ गए हैं करनाल से। सौरभ जी बोलिए। जी मैम, स्कूल बकायदा खोल देने चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जैसे प्राइमरी से वाले, उनके लिए मुझे लगता है कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, उनका शायद अप्रैल तक वेट करना चाहिए, बट हाँ बाकी सब स्कूल बाकी सभी कक्षाओं के लिए खोल देने चाहिए, बाकी कक्षाओं के लिए खोल देने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ जी, इनकी तरह आप भी जुड़े नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, फोन कीजिए, बहुत कम वक्त बचा आप कार्यक्रम में, हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, तारीखें अनाउंस हो गई हैं, शर्तों के साथ हालांकि स्कूल कॉलेज खोलेंगे। हरियाणा में कब खोलेंगे स्कूल, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। और क्या इस कोरोना काल में अभी से बच्चों के लिए स्कूलों को खोल देने का फैसला सही है? क्या स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं? इस पर भी बात होनी चाहिए। हरियाणा में भी स्कूल खोलने चाहिए क्या? जुड़िए, अगर आप इस बात के पक्षधर हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए जुड़िए, कॉल कीजिए, नंबर सी रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़े तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और फोन लाइन पर बात करने की आप कोशिश कीजिए ताकि बेहतर संवाद हो सके। कॉल कर दीजिए अपनी राय, नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है।